You're watching City News 24/7. आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज 24/7 पर। हैदराबाद फलकनुमा अल जुबेल कॉलोनी और उसके अतराफ व अकनाफ कॉलोनी में देर रात बारिश की वजह से पानी इलाकों में भर गया। घरों में से फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है, बोट्स की मदद से आवाम को बचाया जा रहा है। हैदराबाद की पुलिस और मिलिट्री की मदद लेकर फंसे हुए अफराद को निकाला गया और उन सबको खाने के पैकेट्स की सहूलत फराहम की गई। उस मुकाम का दौरा किया सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS। आइए डालते हैं इस मंजर पर नजर। हर अहम खबरों के लिए सिटी न्यूज 24/7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। चलो आगे भाई, नॉर्मल लोग आ जाना भाई। हाँ देखो भाई, थोड़ा जल्द हटो, पीछे से हटो भाई। अरे भाई वो गोली तो पुलिस डिपार्टमेंट तरफ नीचे कल वी आर प्रिपेयर टू टेक केयर ऑफ एव्रीथिंग। బయట నుంచి కూడా సపోర్ట్ వచ్చింది, విజయవాడ నుంచి కూడా NDRF టీం కూడా వచ్చింది, ఆర్మీ కాలమ్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చింది. వీఆర్ దేర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, నథింగ్ టు వరీ. ये फलकनुमा ब्रिज के बाजू में कुछ जो लो लाइंग कॉलोनीज हैं, जैसे अल जुबेर कॉलोनी और इसके आजू बाजू के कॉलोनी जहां थोड़ा पानी का स्टैग्नेशन ज़्यादा है, वहां पर इवैक्यूएशन एक्सरसाइज के लिए आर्मी की कॉलम, बोट्स और डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम, हम लोग सब मिल करके अभी इवैक्यूएशन प्रोसेस यहां शुरू करेंगे।
इवैक्यूएशन के बाद हमारे एमएलए साहब के तरफ से यहाँ पे शादी खाना कम्युनिटी हॉल जो कि मुश्किल से यहाँ से 500 गज की दूरी पर है वहाँ उन लोगों को रखा जाएगा और उनके लिए उनके बेसिक सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम भी हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा काम हुआ कि पहले नाला का वाइडनिंग हो गया जिसके कारण अभी जो पानी का जो करंट है वो कम है। अगर वाइडनिंग नहीं रहता तो पानी का करंट और भी ज़्यादा रहता तो ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती। तो इसलिए मैं पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ उन सभी का कि जिन्होंने ये नाले को वाइडनिंग का काम पहले ही से करा कर रखा था। इसके अलावा और भी दो चार जगह हम लोगों ने जो सुबह देखा कि जो ऑनलुकर्स हैं जो बिना काम के आकर केवल एक्साइटमेंट से देख रहे हैं नदी नाले को वो अच्छी चीज़ नहीं है, उसी में धोखा होता है, कोई लोग गलती से गिर जाते हैं। तो हमारे पुलिस वाले को आप काम करने दें, जीएसएमसी को काम करने दें, आर्मी को आप काम करने दें, डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को काम करने दें, ये आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है। हम लोग बिल्कुल मुस्तैद हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, हर जगह हमारी टीम मौजूद है और बाहर से भी टीम आई है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम विजयवाड़ा से आई है, हमारे गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के तरफ से कोऑर्डिनेशन है। ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर MAUD KTR साहब ने एक टेली कॉन्फ्रेंस में हर डिपार्टमेंट के लोगों से कोऑर्डिनेशन करते हुए पब्लिक के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आने वाले समय में सबके लिए काम करते रहना है। सर अभी कितना जानी नुकसान हुआ है, कुछ पता चला है सर कितना जो है? कल रात में एक बिल्डिंग गिरा जिसके कारण को कुछ हुआ, उसके बाद अभी कुछ नहीं है, थिंग्स आर एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। थैंक यू, करेंगे सबको, करेंगे बोट से करेंगे सबको। चलो हो गया आपका लास्ट। बाबू लास्ट।